नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा लेटरिंग के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जाना था टाइटल ब्लॉक के बारे में, जिसमें कि बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। अब ये जो चीजें हम लिखते हैं ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखी होनी चाहिए। ये जो अल्फाबेट्स यहाँ पे यूज हुए हैं इनके कुछ स्पेसिफिक लेंथ विड्थ हाइट रहनी चाहिए। ये सब हम जानेंगे आज इस वीडियो में जो है लेटरिंग के बारे में। यानी अब ये बात आप समझ ही गए होंगे कि ड्राइंग शीट में जब भी कभी हम लोग बात करते हैं टाइटल ब्लॉक की, तो टाइटल ब्लॉक में लेटर्स का उपयोग किया जाता है जहाँ पे कि आप सब चीज़ लिखते हैं। यानी लेटर्स का उपयोग टाइटल्स में, सब टाइटल्स में, डायमेंशंस के लिए, स्केल्स के लिए, या फिर ड्राइंग की कोई भी डिटेल लिखनी हो वहाँ किया जाता है। लेकिन लेटर्स लिखने के लिए भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि लेटर्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली लिखे होने चाहिए। उसके अलावा फोटोकॉपी वगैरह उसकी आसानी से हो सके, आप कोई भी डिज़ाइन वहाँ पे बना के लेटर को ना लिखें। यानी आप लेटर ऐसे लिखें जो कि आसानी से कोई भी अगला बंदा पढ़ सके, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन आगे चल के ना हो। यानी लेटर्स और न्यूमरल्स बिल्कुल क्लियरली एक दूसरे को समझ में आने चाहिए। बिल्कुल भी डिज़ाइंस वगैरह अलाउड यहाँ पर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में नहीं रहती हैं। इंडियन स्टैंडर्ड्स में BIS 9609 यूज़ किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग यूज़ की जाती है, जिसमें कि जो भी लेटर्स और न्यूमरल्स हैं उनकी स्टेम की विड्थ बिल्कुल इक्वल रहती है और जो लाइन की थिकनेस है वो बिल्कुल पेंसिल की टिप से प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पर अगर सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग की बात की जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि लेटर बनाने के लिए आप पेंसिल को उठाएंगे नहीं। यहाँ पर सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग का मतलब है कि लाइन की विड्थ और थिकनेस बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। लेटरिंग जनरली दो टाइप के होते हैं, लेटरिंग ए और लेटरिंग बी। लेटरिंग ए में जो कैपिटल लेटर होता है उसकी हाइट को 14 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जबकि लेटरिंग स्टाइल बी में इस कैपिटल लेटर की हाइट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इस चीज़ को अगर हम डायग्रामेटिकली समझें तो ये जो लाइन की थिकनेस है इसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो अल्फाबेट्स के बीच में, कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग है इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्ड्स के बीच के गैप को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हाइट है कैपिटल लेटर्स की इसको स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। इसके अलावा बेस लाइंस के बीच के स्पेसिंग को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। लोअर केस लेटर्स की हाइट को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सभी डायमेंशंस हैं लाइन की थिकनेस या फिर कैरेक्टर की स्पेसिंग को लेके, इन सब को हम हाइट ऑफ कैपिटल लेटर के रेफरेंस में बताते हैं। जैसे कि टाइप ए लेटरिंग स्टाइल में अगर मैं 5 mm हाइट ले लूँ इस लेटर की, तो जो लोअर केस लेटर हाइट होगी वो होगी 5/7 ऑफ h, दैट विल बी 3.5 mm। थिकनेस ऑफ लाइन होगी 1/14 ऑफ h, दैट विल बी 0.35 mm। यानी यहाँ पर ये जो थिकनेस ऑफ लाइन है ये 0.35 mm रहने वाली है। इसके अलावा स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स, यानी कि ये रहेगी 1/7 h, दैट विल बी 0.7 mm। मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, दैट विल बी 3/7 ऑफ h, दैट इज 2.1 mm। मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन बेस लाइंस, दैट विल बी 10/7 ऑफ h, दैट इज 7 mm। यानी ये जो लाइंस के बीच में गैप रहना है ये रहने वाला है 7 mm का। जबकि टाइप बी लेटरिंग स्टाइल के लिए अगर कैपिटल लेटर की हाइट h है तो लोअर केस लेटर की हाइट 7/10 h, यानी कि 3.5 mm रहने वाली है। यानी यहाँ पे ये हाइट
3.5 mm रहेगी अगर इसकी हाइट 5 mm है तो। सिमिलर वे में थिकनेस ऑफ लाइंस यहां पर है 1/10 ऑफ एच, यानी यहां पर ये जो थिकनेस होगी दिस विल बी 1/10 ऑफ दिस एच, जो कि निकल के आएगी 0.5 mm। स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स आएगी 1 mm जो होगी 1/5 ऑफ एच। मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स होगी 3/5 ऑफ एच और मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन बेस लाइन्स विल बी 7/5 ऑफ एच, जबकि टाइप ए लेटरिंग स्टाइल में ये था 10/7 ऑफ एच, यहां पर आप देख सकते हैं। अगर आपके डायग्राम में न्यूमरल्स यूज किए गए हैं तो न्यूमरल्स की हाइट कैपिटल लेटर्स की हाइट के बराबर रहनी है। डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए लेटर्स और न्यूमरल्स की हाइट डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसे कंपनी के नेम के लिए 10, 14 या 20 mm हाइट ऑफ लेटर्स चूज की जाती है, जबकि ड्राइंग नंबर्स लेटर्स डिनोटिंग सेक्शनल प्लेन्स के लिए 10 और 14 mm, टाइटल ऑफ ड्राइंग के लिए 7 और 10 mm, सब टाइटल्स के लिए 5 और 7 mm, डायमेंशनिंग नोट्स शेड्यूल्स मटेरियल लिस्ट के लिए 3.5 या फिर 7 mm उपयोग होती है हाइट लेटर्स की। ऑल्टरेशन एंट्रीज और टॉलरेंसेज के लिए 3.5 mm लेटर्स की हाइट का उपयोग किया जाता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे लाइंस के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।